यूनिवर्सिटी के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। शनिवार को एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल में कुछ डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसके बाद यहाँ के जूनियर डॉक्टर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल चार मरीजों की जान का है जो इस हड़ताल ने ले ली। इसके बाद प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। लखनऊ के छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। शनिवार को इस अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने कुछ डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से उनके गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। मरीज अस्पताल के बाहर तड़पते रहे। धरती पर भगवान कहे जाने वाले सफेद कोटधारियों की तरफ इलाज की उम्मीद लगाकर इन्हें निहारते रहे, लेकिन इन बेबस मरीजों को दूसरों की गलती की सजा देने वाले डॉक्टर्स का दिल तीन दिन तक नहीं पसीजा। अब हाल है कोई देखने वाला नहीं, एक दो आदमी है, एक दो डॉक्टर्स कभी कभी चले जाते हैं जो सीनियर्स हैं, जो काम पे हैं शायद, वो लोग जाते हैं देखते हैं अपनी फॉर्मेलिटी जो भी है, वो कहते हैं अब क्या करें हम लोग सारे लोग तो है नहीं। यस, निश्चित रूप से जिम्मेदार जूनियर्स हैं, इसलिए कि वो शायद उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है कि ह्यूमिनिटी भी कोई चीज़ होती है। एक दो आदमी अगर बदतमीजी करे तो इसका मतलब ये नहीं सारा समूह हो गया। बेरहम बने डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े रहे और मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदार अस्पताल के बाहर हड़ताल खत्म होने का इंतजार करते रहे, लेकिन हड़ताल के नाम पर डॉक्टरों ने अस्पताल की इमरजेंसी सेवा भी ठप करा दी। इस दरमियान इलाज के अभाव में चार मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जरा इस महिला को देखिए, डॉक्टरों की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इलाज नहीं होने के कारण इस मां की 7 साल की मासूम बेटी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसके बाद तो मानो ये मां पागल ही हो गई हो और बेटी की लाश को सीने से लगाकर डॉक्टरों से पूछने लगी अपना कसूर। सवाल ये है कि क्या जूनियर डॉक्टरों की मांग इस मासूम सहित चार लोगों की जान से ज्यादा कीमती थी? क्या मांगे पूरी होने पर जूनियर डॉक्टर्स इस मां को उसकी बेटी वापस लौटा पाएंगे? शायद कभी नहीं। आखिर क्यों हर बार ये डॉक्टर्स अपनी मांगे मनवाने के लिए बेगुनाह मरीजों की जान को दांव पर लगाते हैं? क्या ये अपने पेशे का धर्म भूल गए हैं जो इन्हें इंसान की जान बचाने की इजाजत तो देता है लेकिन जान लेने की नहीं? अगर ये धर्म भूल गए हैं तो क्या इन पर हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? हैं भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर होता है, पर क्या आप जानते हैं इन डॉक्टर्स का एक नाम और भी है, हड़ताली। आए दिन होती इनकी हड़ताल, मरीजों के लिए चिंता से चिता में कब तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे में मरीज इन्हें डॉक्टर तो क्या इंसान भी कहने को तैयार नहीं। मनीष तिवारी के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, वॉइस ऑफ इंडिया।